औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप यू ऑल आर वेल एंड फाइन बाय द श्योर मर्सी ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। एज यू नो, वी आर डिस्कसिंग 11th क्लास हिस्ट्री। वी हैव कंप्लीटेड अ फ्यू डेज अगो अ टॉपिक चैप्टर द थ्री ऑर्डर्स। Today we are going to discuss some important multiple choice questions of the chapter the three orders. The first question which I select here today is pehla sawal jo hai सिनस विन वॉज द क्रिश्चियनिटी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रोमन एम्पायर। ये जो क्रिश्चियनिटी है ये कब रोमन एम्पायर की ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। देयर स्टूडेंट्स ऑप्शन ए हैं सिनस 4th सेंचुरी, सिनस 5th सेंचुरी, सिनस 6th सेंचुरी, सिनस 7th सेंचुरी। तो मेरे बच्चों, इसका जो सही जवाब है वो है ए सिनस 4th सेंचुरी। 4th सेंचुरी से जो क्रिश्चियनिटी है वो ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल रिलीजन बना है कहाँ, किसका? रोम का। दूसरे क्वेश्चन की जाना बढ़ते हैं, वो है हु वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट स्कॉलर्स ऑफ फ्रेंच हु हैड वर्कड ऑन फ्यूडलिज्म। यानी कौन सा स्कॉलर है जिसने फ्यूडलिज्म पर काम किया है। तो ऑप्शंस दिए हैं ए ब्लॉक, ब्लेनिज, पीटरसन, मॉच। यानी चार ऑप्शंस दिए गए हैं। इन चार ऑप्शंस में से मेरे बच्चों इसका सही जवाब है ब्लॉक। ए पार्ट इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है हु एमंग वन ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स आर्ग्यूड दैट हिस्ट्री कंसिस्ट्स ऑफ मच मोर देन द जस्ट पॉलिटिकल हिस्ट्री। इसके जो ऑप्शंस हैं ए है मार्किट, बी है ब्लैनिज, थ्री है पीटरसन, तो डी है ब्लॉक। तो पहले बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है डी ब्लॉक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर। क्वेश्चन नंबर फाइव है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूडलिज्म इन एन इकोनॉमिक सेंस। इकोनॉमिक सेंस में फ्यूडलिज्म के क्या माने हैं। नंबर एक ने फर्स्ट है अ काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन विच इज बेस्ड अंडर रिलेशनशिप बिटवीन लॉर्ड एंड पीजेंट्स। बी पार्ट है अ काइंड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विच इज बेस्ड अंडर रिलेशनशिप बिटवीन लॉर्ड एंड पीजेंट्स। तो इसका सही जवाब है वो है बी ए काइंड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विच इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन लॉर्ड एंड पीजेंट्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है व्हेन डिड फ्यूडलिज्म इमर्ज इन ए लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप एज एन एस्टेब्लिश्ड वे ऑफ लाइफ। यानी एज एन एस्टेब्लिश्ड वे ऑफ लाइफ फ्यूडलिज्म ने कब शुरू की यूरोप में। तो आंसर है इसके इन 10th सेंचुरी, इन 11th सेंचुरी, इन 12th सेंचुरी, इन 13th सेंचुरी। मेरे बच्चों इसका जो सही जवाब है वो है बी इन 11th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर सेवन जो है वो है विच प्रोवाइड ऑफ द रोमन एम्पायर हैड टू एक्सटेंसिव कोस्टल लाइन माउंटेन रेंज लॉन्ग रिवर्स फॉरेस्ट्स एंड लार्ज ट्रैक्टस ऑन प्लेन्स सूटेड टू एग्रीकल्चर। तो ऑप्शन है होल, गोल, गोल एंड बॉल। तो इसके सही आंसर है वो है सी जी यू ए एल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन एट जो है हु वर द फ्रैंक्स। फ्रैंक्स कौन थे, स्पेनिश ट्राइब, एन इटालियन ट्राइब, एन अमेरिकन ट्राइब, ए जर्मन ट्राइब। तो जो स्पेनिश वो कौन थे, इसका सही जवाब है ए जर्मन।